खैरतल थाना अंतर्गत ततारपुर गांव में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया, लाठी डंडों से लैस एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर हमला कर दिया। साथ ही बंदूक से फायर किए जाने की भी जानकारी मिली है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलने पर खैरतल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अलवर सामान्य चिकित्सालय भिजवाया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इनमें एक गंभीर घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर ततारपुर चौक पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और यातायात भी जाम हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर करने वालों दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अन्य आरोपियों की भी जांच करेगी। अस्पताल पहुंचे घायल के परिजन वीरेंद्र ने मामले की जानकारी दी। वहीं घायलों में रामोतार पुत्र मान सिंह राजपूत और हेमेंद्र तथा देवेंद्र का उपचार खैरतल के सामुदायिक केंद्र में चल रहा है। वहीं तीन घायलों को अलवर रेफर किया गया है। छोटा सा झगड़ा हुआ था, हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराया था, दर्ज करा दी थी सुबह ना। तो उसके बाद फिर वो 50-60 आदमी आए और फायरिंग करते हुए सर लेडीज मिली, उसके टक्कर मार दी और एक से टक्कर मारी गाड़ी से। और क्या नाम है लेडीज का? रेखा देवी। रेखा देवी वाइफ ऑफ कौन? आपकी क्या? मुकेश, मेरी आंटी जी हैं, चाची। वाइफ ऑफ मुकेश? हाँ जी। अच्छा, टक्कर मार दी फिर उसके बाद सर एक के पैर में गोली काट दी। हरिओम जो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ थे आज, और मेरे अंकल जी के सर लइए मेरे को मालूम है हाथ और पैर फ्रैक्चर है। वो 16 हाँ लाठी मारी सर। बलवीर डॉक्टर, बलवीर डॉक्टर के लाठी मारी है और हरिओम के गोली मारी है। हाँ जी। और माता जी के गाड़ी चढ़ाई है। और सर हमने पहले एफआईआर दर्ज करा दी थी सर। तीन के लगी है कि और ज्यादा लगी है? तीन के और पता नहीं मेरे को सर, मैं इनको लेके आ गया था। घायल कितने हैं? घायल काफी हैं, 10-5 लोग घायल हैं।